डाली भाई, मुखी हमें याद किया। जय हो रामदेव पीर की जय हो। विवाह के कई समय बाद दर्शन हुए। बस शुरू किए कार्य अब पूर्ण होने में है। पधारिए रामदेव। वीरमदेव आपका भी स्वागत है। क्या बात है मुखी, हमें तत्काल बुलवाया। बेटा वीरमदेव, आपकी प्रिय भूरी बछड़ी अचानक मर गई। ओह, भूरी तो मेरी और मेरी पत्नी की प्रिय बछड़ी है, अचानक क्या हुआ? कौन जाने, अचानक कोई बीमारी लग गई और दो दिन में तो मर गई। भाई वीरमदेव, दुख ना लो, दूसरी बछड़ी आ जाएगी। भाई रामदेव, मेरी पत्नी प्रत्येक सप्ताह उसे टीका लगाकर अनशन की पुनाहुति करती है। बुरी बगैर तो आपकी भाभी माँ जी नहीं पाएंगी। रामदेव जी, बुरी बगैर उसकी माँ ने भी खाना पीना छोड़ दिया है, बस पूरा दिन शोर करती रहती है। बंधु रामदेव, यह गौ मैया और अपनी भाभी माँ के लिए आपको बछड़ी में प्राण पूर्ण हो गए। भाई वीरमदेव, ऐसी छोटी छोटी बातों में मेरे पास पर्चे पुरवाने योग्य नहीं है। नियति बदलते रहें तो समाज व्यवस्था टूट पड़े। भाई, बड़े भाई का मान नहीं रखोगे, अब फिर कभी भी आपको नहीं शर्माऊंगा। ओह ठीक है, कहाँ है बछड़ी? उसका तो निकाल किया, मात्र चमड़ा निकाल उसकी माँ को सुंघाने रखा है ताकि वह घास चारा लेना शुरू करे। बताओ कहाँ है चमड़ा? सत की परंपरा संभालने सजीव बनो। हे गौ मैया, तेरी माँ तेरे बगैर घास चारा अन्न जल नहीं लेती। चल खड़ी हो जा और तेरी माँ को समझा। खड़ी हो गौ मैया, खड़ी हो। जय हो रामदेव पीर की जय हो। खम्मा मेरे भी घड़ी घड़ी खम्मा। जय हो रणु जाके राजा की जय जयकार हो। वीरमदेव चलो प्रयाण करें। जय हो रामा पीर की जय जयकार हो। बाबा रामदेव पीर। हे प्रभु, हे नाथ। अरे ये नेतल दे, अचानक तबीयत बिगड़ी। नाथ कुछ नहीं, ऐसे ही उल्टी जैसा हो रहा है। राजवैद्य को बुलाऊं? नहीं जरूरत नहीं है, ऐसा तो होता है। अरे पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कहना पड़ेगा क्या होता है। तो पहले वचन दीजिए कि मेरी बात नहीं टालोगे। ठीक ठीक, आपकी बात नहीं टालूंगा। अब कहो तबीयत कैसे बिगड़ी? नाथ मुझे अच्छे दिन जा रहे हैं। बधाई नेतल दे, बधाई। ये तो बहुत अच्छे समाचार है। मैं पिताश्री और माताश्री को शुभ समाचार देके आता हूँ। उससे पहले मुझे दिया वचन निभाते जाइए। अवश्य मांगो, जो मांगना है वो मांगो। नाथ आप तो अंतर्यामी हो, कहिए मेरे गर्भ में कुंवर है या कुंवरी? नेतल दे, कुंवर हो के कुंवरी, मेरी आंख के तेज है, दोनों मेरे मन तो समान है। आपने वचन दिया है, आज के इस शुभ दिन मेरा मान नहीं रखोगे? नेतल दे, नियति विरुद्ध के कार्य मेरे पास करवाना योग्य नहीं। ये पहली और अंतिम बार, बाद में कभी नहीं कहूंगी। ओह ठीक है। सादा बेटा, सादा आपकी माँ को जवाब दो। बेटा जवाब दो। माँ, माँ मैं आपका बेटा, आपकी गोद सदा दे रहा हूँ। जय हो प्रभु, आप सिद्धेश्वर हो। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। आने वाले कुंवर का नाम सादा रखूंगी। क्या बात है बेटी, बहुत खुश दिखती हो। बेटा वीरमदेव, आप तो कह रहे थे बछड़ी जिंदा करवाई उससे रामदेव जी नाराज है, यहाँ तो खुशी खुशी दिख रही है। भाई रामदेव जी, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मैंने आपको विवश किया था। वीरमदेव बहुत देर हो गई, यहाँ भी नेतल देने जीत की कि गर्भ में कुंवर है या कुंवरी।
और मुझे कुंवर को सदा देनी पड़ी। क्या हमारे आंगन कुंवर पधारेंगे? बधाई महाराज बधाई। नेतल दे बिटिया तेरी संभाल मैं स्वयं रखूंगी। जुग जुग जियो बेटा राम दे, जुग जुग जियो। माँ आज से मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब जगत में रुकना मेरे लिए कठिन है। अब मैं समाधि लूंगा। बेटा रामदेव मंगल समय पे ऐसा मत बोल। माँ मेरा अवतार कार्य संपन्न हुआ, देहधारी कोई सनातन अविचल नहीं, यह बादो सुद ग्यारहवीं को मैं समाधि लूंगा। पर बेटा यूं अचानक प्रस्थान? ना बेटा ना, फिर तो हम निराधार हो जाएंगे। रामदेव भाई हमारी भूल की इतनी बड़ी शिक्षा। रुक जाओ भाई रुक जाओ। प्रभु मैं दोषी हूँ, मुझे सजा करो। मेरी भूल के कारण आपको समाधि लेनी पड़े, उससे अच्छा तो मुझे मृत्यु दे दो प्रभु, मुझे मृत्यु दे दो। कोई रोना नहीं, मेरा निर्णय अफर है। मैंने मनुष्य शरीर धरा है, उसका अंत निश्चित है। अब मुझे रोग विडंबना खड़ी करना नहीं। मेरी दो हाथ जोड़ आप सबको विनती है और पहली और अंतिम बार कुछ मांगता हूँ, मुझे नाराज मत करना। यही नियति है, आज्ञा दो। रुक जाओ पीर जी रुक जाओ। भाइयों बहनों समाधि लेने का मेरा निर्णय अफर है, मुझे रोकना मत, आंसू बहाना ना। शरीर मात्र नाशवंत है, मैं सदा सर्वदा आपके साथ हूँ और रहूँगा। सच्चे भाव से जो कोई मुझे पुकारेगा उसे मैं हाजर हजूर मिलूँगा। चलो समाधि स्थल। मेरे साथी संगाथियों आत्मजनों भक्तों सबको मेरी अंतिम विदाई। रामा पीर की जय। सबूर पीर जी सबूर। डाले बाय क्यों देर से आए, संदेश देर से मिला? पीर जी मेरे रामदेव पीर आपकी भक्त को बोल समाधि में चले। डाले बाय समाधि तो मुझे ग्यारहवीं को लेनी है। आप भगवान है तो मैं भक्ति हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपसे पहले समाधि लूं। और प्रभु समाधि की यह जगह भी मेरी है। डाली बिटिया यह तू क्या बोलती है, ऐसी बात मत कर बिटिया। मुखे डाली भाई को बोलने दो। पीर जी यह जगह मेरी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इस जगह से आटी धागा और कंगन निकलेगा, खुदवा लो। देखो भाई इस जगह में आटी धागा और कंगन है। डाली बाई की जय। रामा पीर की जय। डाली बिटिया तू तो देवी है देवी, रामा पीर की भक्ति ने तुझे अमर बना दिया। जय हो रामा पीर की जय हो, मेरी बिटिया को अमर बना दिया। पीर जी आपकी भक्ति से मुझे यह सारा ज्ञान मिला है, अब समाधि लेने की आज्ञा दो। धन्य है तेरा जीवन, पधारे। धन्य डाली भाई। अरे तू काहे की छोटी जाती, अरे तूने तो तेरे जीवन को उजले से भी उजला साबित कर दिखाया। मेरी समाधि पे आने वाले तमाम भक्त
तेरी समाधि को भी फूल अर्प के पूजा करेंगे। चलो भाइयों, अब मैं आने वाली कल को समाधि लूंगा। डाली बाई की जय, रामा पीर की जय। हे भक्तजन, मेरा अंतिम बोध जीवन में उतारना, अलख आराधी को वाद विवाद और निंदा चेष्टा किसी की करनी नहीं। गुरु सेवा वे प्रथम पद जानो। प्रातः उठ के प्रथम अलख धनी का नाम स्मरण करना। नौ इंद्रिय पे पाना काबू तत्काल। मोह अभिमान और झूठे संकल्प करने नहीं। अभिमान और अहम छोड़ना। बानी बोलते हमेशा विचार करना। श्रद्धा रखना। मैं हूं सबका अंतर्यामी और मैं हूं भक्त रक्षणहार। माता पिताश्री, आप किसी के कहने से के मोहवश होके मेरी समाधि फिर खुदवाना मत। जो ऐसा करोगे तो तूरा वंश की प्रत्येक पीढ़ी में एक पीर अवतार लेगा। सभी को मेरे अंतिम प्रणाम। अलग दनी अलग।